Assalamualaikum. Welcome to my another vlog. तो आज आप मुझे जैसे देख रहे हैं कि मैं आई हूँ बीच पर, जो कि मेरे घर से तो है 1.5 hour की ड्राइव पर. बिकॉज मैं मेलबर्न की जो मेन सिटी है ना, उसके करीब रहती हूँ, तो ये मेरे घर से ज़रा काफ़ी मुझे तो दूर लगा. बिकॉज 1.5 hour, जैसे मैंने आपको बताया कि दूर है, तो मेरे घर से दूर है, बट ये बीच बहुत खूबसूरत है. तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले विज़िट किया बिकॉज मेलबर्न में 10,000 से ज़्यादा बीचेज़ हैं जो इस टाइम एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे हर बीच ही एक अलग लाइक अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, एक खूबसूरती रखती है, लाइक वो यहाँ पर नज़र आती है. और समंदर तो हर किसी को देखना पसंद होता है, जैसे स्वांस हर किसी को देखना बड़ा पसंद है समंदर के अंदर. उसके बाद सनसेट के व्यू के बाद लाइक रात होना शुरू हो गई है, और ये बोट एरिया बना हुआ है जहाँ पर आके लोग बोटिंग करते हैं बीच के साथ साथ, लाइक सेपरेटली जगह पर बोटिंग भी होती है. और उसके बाद मैंने कहा आगे जाके ज़रा प्रॉपर बीच वाली साइड देखते हैं, जो मतलब लाइक बीच पर लोग आकर समंदर का एक व्यू देखते हैं. तो लाइक ये वो जगह है जहाँ पर आके लाइक ये जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है समंदर से थोड़ा सा पीछे वाली साइड पर, यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, लाइक मतलब जो भी उनको लाइक पसंद हो वो यहाँ पर आकर ज़रूर बैठते हैं. और ये एक उन्होंने झूला भी एंट्रेंस पर लगाया हुआ है, तो ये पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं उस हिसाब से, लाइक ये बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बहुत ऊंचा था, तो मतलब देख के इसको डर लग रहा था कि इसमें कोई बैठेगा तो लाइक काफ़ी ऊंचाई पर है ये, और पता नहीं उसमें सही तरह से नज़र आ भी रहा है कि नहीं. और इसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वहाँ पर जाके देखते हैं. वहाँ पर ये है कि दो तरह के पूल बने हुए हैं. दो तरह के पूल में ये है कि जो एक है वो ये वाला जो पूल नज़र आ रहा है ये अडल्ट्स के लिए है, और इसके आगे जो पूल एक नज़र आएगा ना, लाइक उन्होंने बीच के अंदर ही एक पूल एरिया बनाया हुआ है, और बिकॉज उससे आगे ज़रा पानी थोड़ा सा मतलब गहरा है, और तो यहाँ पर ज़रा थोड़ा काम होगा, तो उन्होंने यहाँ पर एक ना पूल बना दिया अडल्ट्स के लिए. और ये वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है आगे थोड़ा सा और जाकर, यहाँ पर उन्होंने चिल्ड्रन के लिए पूल बनाया हुआ है. तो ये पूल के सामने जो है ना लाइक घर भी बने हुए हैं, और ये होटल्स भी बने हुए हैं, लाइक कोई दूर से आता है या कुछ आता है तो वो उसके लिए हर चीज़ इजीली मतलब लाइक उसको एक्सेसिबल है कि वो जाकर रह सकता है, सब कुछ इंजॉय कर सकता है. तो लाइक ये जो चिल्ड्रन का पूल जो मैंने आपको बताया ये वो है. और इसके बाद रात होना स्टार्ट हो गई है, तो ये साइड पर उन्होंने बिल्कुल सामने बीच के सामने पार्क भी बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, लाइक इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, इतना अच्छा माहौल है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लाइक इतना पुरसकून और इतना फ्रेश इन्वायरमेंट है कि यहाँ से ना लिटरली उठने को दिल नहीं जा रहा था, उस व्यू को छोड़ के जाने को दिल नहीं जा रहा था. टू बी ऑनेस्ट बहुत ही रिफ्रेशिंग यहाँ पे फीलिंग आ रही थी. और इसके बाद रात के टाइम जैसे आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं कि जल गई हैं, तो मैंने कहा साथ साथ खुद भी तो मैं देख रही हूँ, बहुत प्यारा सा रात लाइट के साथ समंदर का व्यू, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि रात के टाइम भी बहुत ही हसीन लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम भी लाइट्स के साथ समंदर का व्यू. उसके बाद थोड़ा सा और आगे जब मैं जाऊँगी तो वो जो सामने आपको झूला नज़र आ रहा है ना, उस पर भी लाइट्स जल चुकी हैं, तो लाइक हम उसको भी जाकर देखते हैं कि वो उस टाइम पर लाइट्स के साथ किस तरह से लग रहा है. और उसके आगे
जब मैं यहाँ पे आ रही थी, मैंने जब जी लॉन्ग में मैं स्टार्ट में आई हूँ, तो वहाँ पर क्रिसमस आपको जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पर स्टार्ट हो गया और पूरा मंथ क्रिसमस चलना है। तो जगह जगह वहाँ पर क्रिसमस के उन्होंने क्रिसमस ट्रीज लगाए हुए हैं, क्रिसमस की डेकोरेशन हुई हुई है। तो मेरे आने वाले व्लॉग्स में वैसे आपको नज़र भी आएगा कि काफ़ी ज़्यादा मेलबर्न में जहाँ सिटी, मेन सिटी में जहाँ पर डेकोरेशन होगी, वो वहाँ के सारे जितने भी फेस्टिवल्स होंगे वो सारे मैं आपको अपने साथ साथ ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर भी जी लॉन्ग में भी एक फेस्टिवल हो रहा है बहुत बड़ा, तो इसके बाद इंशाल्लाह जो इसके बाद या इसके दूसरे नंबर पर जो व्लॉग आएगा वो शायद उसी का होगा। और उसके बाद ये क्रिसमस ट्री की जो मैंने बात की थी, ये बहुत खूबसूरत है, पानी के सेंटर में उन्होंने बनाया हुआ है, लाइक टू मच अमेजिंग। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल।